इसी माँ के प्रांगण से अपनी यात्रा की शुरुआत किए थे। और आज जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया, हमारे पथलगड्ढा के जो आम जन है, स्कूल के बच्चे हैं, निश्चित रूप से जैसे इनका प्रभाव इन नए बच्चों पथलगड्ढा प्रखंड के जिला परिषद माननीय राम सेवक भगत जी से कि आप जाए और जैन जी को माला पहना के इन्हें सम्मान दे। राम सेवक भगत जी माला पहना कर इन्हें सम्मान दे। विद्या रोड को खाली कर रहे हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं आज और मैं आवेदन करना चाहूंगा और मैं आवेदन करना चाहूंगा किलोमीटर इसी साइकिल से पूरे देश यात्रा किए। तो गाइस सुबह के बज चुकी है 7 और काफी लेट हो चुकी है और इधर आ चुका है पिंटू और इधर मैं रेडी हो चुका हूँ। कल कपड़ा था ना वही पहन लिया क्योंकि मेरे पर कपड़ा वाला रेडी नहीं है। तो अब यहाँ से सबसे पहले पूजा करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। श्याम ही नहा धोकर रेडी हो चुका है तो अब हम सोच रहे कि 6 बजे यहाँ निकल जाएंगे लेकिन कहते हैं ना पूरा कोहरा है हर तरफ तो फिर थोड़ा टाइम ले लिया तो काफ़ी ठंडा है सुबह सुबह। तो अब यहाँ से निकलते हैं और आपसे भी मिल रहे हैं, देखते हैं रास्ते में कौन कौन लोग मिलते हैं, सभी से मिलवाते हुए अपनी यात्रा आज जैसे समाप्त होने वाली है माँ भगवती माँ के स्थान प्रांगण में। तो चलते हैं तो फाइनली गाइस सभी सुमन भाई जी आ चुके हैं और कैसे आप? बढ़िया। और कुछ बताइए अपने बारे में। क्या बताया, बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के गांव यानी पथलगड्ढा प्रखंड के ग्राम तेतरिया से जो कि भैया जी निकले थे 13 महीने पहले और आज 13 महीने बाद फिर वापस मिले हैं और अभी जा रहे हैं घर। बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए कि इनसे मुलाकात हुई, हम लोग सौभाग्य बात है कि इनसे मिल पाए। करण अभी आया फिलहाल 8 बजे, इसी के चलते लेट हो चुका है। नहीं तो हम लोग सुबह 5 बजे से वेट कर रहे हैं लेकिन अभी आया, क्या करें। तो अब निकलते हैं यहाँ से। इधर है अजय भैया जी, कुछ बोलिए। बस कैसा रहा यात्रा? मस्त शास्त्र के प्यार आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं बलबल माता के दरबार और अभी जा रहे हैं और पूजा पाठ करेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे माँ भगवती माँ के दरबार। देखते हैं कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर। तो चलते हैं माता जी के दरबार। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं बलबल माता के दरबार और ये रहा मुख्य मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर गर्म कुंड है तो अभी तो फिलहाल वहाँ पर भी जाएंगे। अब फिलहाल अभी करण और जो पिंटू था वो पीछे है तो उनको आने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे यहाँ से। तो चलते हैं, थक चुका है तो अभी बॉडी बना रहा है एनर्जी नहीं मिल रहा एनर्जी नहीं मिल रहा तो पूजा करके आते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। यार देखिए भैया जा रहे हैं पूजा करने के लिए, अभी गांव में सब इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जाएंगे पूजा करके उसके बाद तुरंत मतलब कुछ सेकंड के बाद कुछ मिनट के बाद जाएंगे अभी गांव पूजा करने के लिए। नहीं आए हैं लेकिन भैया भी साथ में आए हैं लेने के लिए, हजारीबाग से हम लोग साथ में ही हैं दोनों, तो हम लोग दोनों भाई साथ में चल रहे हैं भैया के साथ। बहुत खुशी हो रही है कि भैया आज हमारे पास लौट के वापस आए हैं। आज रात दिन से लेकर रात भर माहौल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आइए पूरा मज़ा करेंगे, पूरा रात दिन पूरा आज मस्ती ही रहेगा, मतलब वैसा मस्ती नहीं मतलब पूजा पाठ ला ही मस्ती रहेगा लेकिन रहेगा पूरा मस्ती। खुश है कि भैया आज हमारे समक्ष हमारे बीच आए हुए हैं। आज हम लोग का लगता है कि 22,000 कुछ किलोमीटर चला के आए, 22,000 लमसम हो चुका है उनका, 22,000 हो चुका है। तो देख सकते हैं मेरे भैया अभी बलबल में पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर पंडित जी भी हैं और यहाँ से अभी हम लोग नुनगांव निकलने वाले हैं, वहाँ पर पूरा सब प्रोग्राम बना हुआ है।
तो पूजा संपन्न हुआ, अब यहाँ से निकलते हैं। निकलने से पहले अभी 10 मिनट अभी रेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और आसपास कुछ इस तरह माहौल है, सुबह सुबह सभी भक्त आ रहे हैं, अभी उतना भक्त नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन होगा ना, जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वैसे वैसे भक्त पूरा आएंगे, मंदिर पूरा भर जाती है और काफ़ी भव्य मंदिर है। और नेशनल हाईवे के किनारे ही बाजू में ही मंदिर है बलबल मंदिर, जो चतरा के रास्ते में मिल जाती है। फिलहाल देखिए आगे से स्टार्ट हो ही रहा है और आगे कुछ और जाके आगे सीन दिखाया जाएगा। कहाँ सर? जितना छोड़ने आए थे उतना से ज़्यादा लेने आए हैं। अच्छा चलिए लेट नहीं कीजिए, निकलते हैं ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है और जी चल गई छोड़ के तो सब बुरा नहीं होगा, था सदमा पड़ गया सबके। तो सभी आ चुके हैं यहाँ पर, फिर से जवानी बाहर आएगा सभी में। अभी आप निकलते हैं यहाँ से, चलाते काफिला यहीं से शुरू हो रहा है और आगे चल के धीरे धीरे और ये बढ़ते जाएगा। रेडी चिकलो चिकलो पकड़ देखिए पीछे बहुत अभी भीड़ लग गई और आगे भी पूरा डीजे के साथ एकदम काफिला चलेगा, जो कि दिखाया जाएगा आगे से। बस कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुँचने वाले हैं। और देखिए वहाँ से आगे बॉक्स भी लगा हुआ है और वहीं से जो है काफिला पूरा और तेज़ी से चलेगा यहाँ उसके घर तक की ओर। आज हमारे जयंत भैया जी जो कि पूरे ऑल इंडिया साइकिल यात्रा भ्रमण करके पुनः अपने घर वापस लौट रहे हैं, जिसके खुशी में हमारे ग्राम के सभी प्रखंड वासियों से जो कि हमारे प्रखंड के जितने भी लोग थे वो इनका स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं और इनका स्वागत हमारे प्रसिद्ध मंदिर माँ भगवती मंदिर लेम्बोया में इनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल हम लोग मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं ये हमारे जयंत भैया जी के साथ, तो चलिए बने रहिए। ये हमारे जयंत भैया जी के आगमन के खुशी में हो रहा है हमारे आशीष जी लोग काफी खुश हैं उनके घर वापसी को देख करके, सारे लोगों के चेहरे पर खुशी का रौनक छा गया है। हमारा जो ग्राम का एक लड़का गया था पूरा भारत घूमने वो घर वापस लौट सही सलामत घर वापस लौट चुका है। तो फिलहाल ये मैं अपना फ्रंट कैमरा से आप लोगों को पीछे से आगे का दृश्य दिखाते हुए, फिलहाल ये मैं कैमरामैन आशीष बाबू फिलहाल मुझे आप जो भी प्यार से बोल सकते हैं चलेगा। ये हमारे जयंत भैया जी जो कि 22,000 किलोमीटर पूरा साइकिल यात्रा करके ऑल इंडिया साइकिल यात्रा करके पुनः अपने घर को वापसी किए हैं, इनको इनका स्वागत के लिए हमारे गांव के से आए हुए सभी लोग जो कि इनको पूरा ऑल इंडिया साइकिल यात्रा करने में लगा पूरा 13 महीना का टाइम, आज भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे जयंत भैया जी के थे और उनके पापा जी, उनके
हमारे प्रखंड वासियों को गर्व होना चाहिए इस बात को लेकर के। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं माँ भगवती मंदिर लेमुइया, जहाँ से इनका ये अपने साइकिल यात्रा स्टार्ट किए हुए थे, वहाँ से पुनः हमारे माँ भगवती मंदिर का स्थान क्योंकि यहाँ से हमारे जयंतिया जी निकले हुए थे भारत आगमन के लिए, पूरा भारत भ्रमण करने के लिए, और अभी पूरा भारत भ्रमण को पूरा संपन्न करके फिर से अपने माँ भगवती मंदिर के स्थान में पहुँचे हैं। बच्चे लोग आगे इसको घुमा ले। बहुत दिनों की इनकी मेहनत, इसी माँ के प्रांगण से अपनी यात्रा की शुरुआत किए थे। इनको पहले माता का दर्शन करा ले, उनके बाद हमारे प्रखंड के सभी हैं, हमारे जिला परिषद सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा कि हम सबों के बीच मौजूद हैं पथरगढ़ प्रखंड के जिला परिषद माननीय रामसेवक भगत जी से कि आप जाएं और जयंत जी को माला पहना के इन्हें सम्मान दें। रामसेवक भगत जी, जयंत जी को दादाजी से भी सामने अनुरोध करूंगा और उनके पिताजी और माताजी आप भी जयंत जी के मौजूद सामने रहे। तो सबसे पहले हमारे जिला परिषद सम्मान दे रहे हैं जयंत जी को, सभी तालियों बहुत धन्यवाद, हम सभी ताली बजाएंगे और जयंत जी को दादा से अनुरोध करूंगा कि आप भी जयंत जी को माला पहना कर इन्हें सम्मान दें। एक बार ताली बजा देंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबों के बीच मौजूद है मान्यवर व्यक्ति है, आज हम सभी इनका सम्मान दे रहे हैं और ताली बजा कर इन्हें सम्मान देंगे। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पहना कर इन्हें सम्मान दें मान्यवर अर्जुन कुमार जी, सम्मान है और यह सम्मान योग बनता है और आज हम सभी सम्मान दे रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय कृष्ण कुमार वर्मा जी, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबों के बीच मौजूद और जयंत जी को माला पहना कर इन्हें सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा मान्यवर हमारे सिंहारी करना चाहूंगा हमारे समाज के सचिव अजय कुमार जी, आप चूंकि यह स्वागत है पैदा कर स्वागत करें, चूंकि यह सम्मान योग्य है और क्योंकि यह कार्यक्रम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ या
ऊपर कर ले। 13 माह के पूर्व जयंत कुमार के द्वारा इसी लेपोया पहाड़ी मंदिर से उनकी यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिन्होंने 13 माह कंटिन्यू साइकिल चला के पूरे भारत का भ्रमण किए। तत्पश्चात आज उनका आगमन पथलगट्टा की धरती पे माँ लेपोया के भैया जी का आप सम्मान में जो जुटे हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जयंत कुमार जो ग्राम तेतरिया के रहने वाले हैं, इनका प्रखंड पथलगट्टा है, जिला चतरा है, और इनके द्वारा 13 माह पूर्व लेपोया पहाड़ी मंदिर से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। तत्पश्चात आज 13 यहाँ पे दो उनका आगमन इस पथलगट्टा की धरती पर हुई है। तो जयंत कुमार के रोड को खाली कर रहे हैं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, आज इस पथलगट्टा प्रखंड की धरती पर इस प्रखंड के एक लाल हैं जयंत कुमार जी, जिनके द्वारा और जैसा कि आप सभी के बीच जयंत जी पहुंच चुके हैं और इनका गांधी चौक पथलगट्टा में स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जयंत जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्य अर्पण करेंगे, उसके बाद इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह आज भारत का दौरा साइकिल से कर पूरा 13.5 महीने के बाद पथलगट्टा के इस पावन धरती पर पहुंच चुके हैं और इनके सहयोगी सभी साथ में चल रहे हैं, उनका भी इसे गांधी चौक पथलगट्टा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है किया जा रहा है। ले भारत माता के जय, माता के जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जय। अब माल्य अर्पण के बाद उनका माल्य अर्पण किया जाएगा। और सर्वप्रथम आदरणीय प्रमोद कुमार कुशवाहा जी के द्वारा इन्हें माल्य अर्पण किया जाएगा। बोले भारत माता के जय, भारत माता के जय। और वस्त्र दान भी इनके द्वारा किया जाएगा। आज बहुत गर्व की बात है, हमारे बीच पूरे भारत का दौरा करके हमारे बीच आज 13 महीने के बाद यहाँ उपस्थित हैं जयंत जी। इसके बाद विनय कुमार जी गांधी चौक पर माल्य अर्पण करेंगे, विनय कुमार जी। इसके बाद बीरबल कुमार जी, बीरबल कुमार डांगे जी माल्य अर्पण करेंगे और इन्हें आशीर्वाद देंगे, ढेर सारा प्यार इनको। कृष्णा भारती जी, कृष्णा भारती जी शांति क्लब के वरिष्ठ गार्जियन, जयकरण डांगे जी, जयकरण डांगे जी गांधी चौक में इनका अभिनंदन स्वागत है। आज ये पूरे देश का दौरा कर साइकिल से एक नया इतिहास पथलगट्टा के लिए बनाए हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पंजाब दल प्रखंड पथलगट्टा के संयोजक मनोहर कुमार जी के द्वारा इन्हें माल्य अर्पण किया जाए। और अमित कुमार जी, अमित कुमार, अमित कुमार पी के स्टूडियो, और अरुण अग्रवाल जी, बिहारी कुमार अग्रवाल जी, समस्त प्रखंडवासी सलाम करती है।
छोटी सी धरती से पूरा भारत साइकिल से भर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा पर माला अर्पण करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कमिंग सून। चंद्र बोस जी का मल्यार्पण हो जाए। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की। और सभी के गार्जियन है, जिला परिषद सदस्य, हम सभी के प्रिय लोकप्रिय हृदय में बास करने वाले भगत चचा जी से भी आग्रह होगा कि प्रखंड की ओर से इस आज पावन शुभ अवसर पर आप तमाम चतरिया हुआ, इनका पिताजी का नाम हुआ अमेरिका दांगी जी। ये 22,000 किलोमीटर इसी साइकिल से पूरे देश यात्रा किए, 22,000 किलोमीटर आने 13। स्वागत गीत लेकर आई है उत्कर्मित उच्च विद्यालय तेतरिया के 9 और 10 के बच्चे जो कि आज
बहुत ही खुशी की बात है। जयंत कुमार जो 13 महीना के बाद पूरा भारत भ्रमण करके आज अपने जन्म स्थल पर पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत के लिए बच्चियां स्वागत का लेकर तैयार है। कृपया गाड़ी को स्टार्ट कर दे और वो गाड़ी को निकलने दे, रास्ता खाली कर दे। साइकिल चलाने से कतराते हैं कि साइकिल से नहीं जा सकते स्कूल या साइकिल से आप मेहमान नहीं कर सकते, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति को आप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, इनके जिगर को आप नाप सकते हैं, जिन्होंने आज इन्होंने पूरे 22,000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके पूरे भारत का अपना परिचय दिया और घूम घूम करके भारत की हर संस्कृति और सभ्यता के बारे में इन्होंने जाना। आपके भारत में बहुत ऐसे स्थल हैं जो कि आप वहां पर जाएंगे तो चकित हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस 13 मंथ के बाद आज अपने घर में एंट्री होने वाला है, तो स्वागत के लिए हमारे चाची लोग तैयार हैं। अगर फोन पर फोन पकड़ो खबर नहीं जान जान लड़की दिखने क्या रास्ता को टेंशन करो कि बस बस जाने दो उन्होंने कहा नहीं किया करो नहीं एक मिनट गोड़वा तो तक गोड़वा धोवा कहीं नहीं कहती बोलो ना बाद में अपन
आईफोन 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 आईफ